तो गाइज ये जो मैसेज ऊपर दिख रहा है ना, इसको देख के ना काफी सारे यूट्यूबर्स लोग डर चुके हैं गाइज, सोच रहे हैं क्या है ये, क्या हो गया। तो गाइज डरने की कोई बात नहीं, तुम्हारा भाई है, तुम्हारा भाई डिटेल में बताएगा क्या है ये। सो हेलो यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बढ़िया होगे, मस्त होगे, स्वस्थ होगे और हमारे वीडियो देख रहे होगे गाइस। सो गाइस देख सकते हैं अभी हम लोग यार काफी दिनों के बाद आज अपन लोग वीडियो बनाने के लिए एक बार फिर से खेत में आ चुके हैं गाइस। पीछे का नजारा देखो ना, तो भाई मक्का का खेत है जो कि काफी अच्छा लग रहा है मेरे को। और फिर मक्का का टाइम में यार मक्का अपन लोग खाते भी है, इसको भुट्टा बोलते हैं गाँव में हम लोग, तो हम लोग खाते हैं, मजा आता है। और फिर आप लोग को एक चीज और दिखा दो गाइस जो कि काफी मस्त लगता है यार, ये देखो पीछे की साइड बगीचा दिख रहा है ना, कौन सा पेड़ है गाइज आप लोग गेस करके बताओ। चलो यार मैं ही बता देता हूँ यार, ये सागवान का पेड़ है गाइज, जो कि काफ़ी इसकी लकड़ियाँ ना काफ़ी ज़्यादा महंगा बिकती है गाइज, तो काफ़ी अच्छा यार करोड़ों का इसमें गाइज बिजनेस होता है बहुत ज़्यादा। तो ये हमारे एक भैया का ही है, तो खेत तो काफ़ी अच्छा है। और फिर हमारे साइड पीछे मक्का का खेत भी देख लो गाइज, काफ़ी मस्त लग रहा है यार, गाँव का मौसम ही होता है ना गाइज काफ़ी नेक्स्ट लेवल वाला। तो गाइस चलो मैं आप लोगों को ना मुद्दा की ओर आता हूँ और फिर मैं आप लोगों को बता दूँ ना, अभी कुछ एडसेंस में कुछ अपडेट आ चुका है ना, बहुत सारा अपडेट आया है, तो मैं चलो अभी डायरेक्ट एडसेंस में आने के बाद आप लोगों को सारा कुछ दिखाता हूँ गाइस। तो गाइस जैसे ही जो भी मैसेज आता है उसको अपन लोग मेल में जाने के बाद कुछ इस प्रकार दिखता है ऊपर से, फिर इसको अगर क्लिक करके देखोगे तो अंदर से जो भी दिखता है गाइस वो कुछ इस प्रकार दिखता है, जैसे कि पढ़ लो यार ऊपर, योर सब डोमेन्स ब्लॉक विल बी प्रमोटेड टू द डोमेन लेवल इन 3 डेज। इसका मतलब ये है गाइस कि जो भी सब डोमेन यूज कर रहा है, सबसे पहले गाइस आप लोगों को बता दें, जो भी सिर्फ यूट्यूब यूज कर रहा है, जो भी यूट्यूबर है, वो कोई भी एडसेंस पे अपना साइट नहीं डाले हैं, उनके लिए भाई कोई प्रॉब्लम नहीं, आप लोग बस वीडियो बनाओ गाइस, ऐसे ही आगे बढ़ो, अच्छा रहेगा, आप लोग इस सब पे ध्यान मत दो। बट उन लोग के लिए मैसेज है गाइज कि जो अपना साइट्स डाले हुए ना एडसेंस में, उन लोग के लिए दिक्कत है क्योंकि वो सब डोमेन यूज कर रहे हैं, जैसे कि कुछ प्रमोट करना या फिर कुछ और भी अपना साइट्स डाल के कुछ भी एडवर्टाइज ये सब करना, उसके लिए ये स्पेशल अपना एडसेंस वाले लोग ने कुछ लॉन्च करा है कि जो भी सब डोमेन्स यूज कर रहे हैं वो अगर पहले अपना डोमेन्स खरीद लेते हैं तो सही है, पर ना 20 तारीख के बाद वो ब्लॉक कर देंगे सारे लोग को, सब डोमेन्स ब्लॉक कर देंगे। और हाँ डायरेक्ट शिफ्ट कर सकते हैं डोमेन्स में, बट देखो क्या सीन होता है, लेकिन उसमें एक ब्लॉकिंग कंट्रोलर का सिस्टम आता है, कुछ सब डोमेन्स जो यूज करते हैं उनके लिए स्पेशल वो ऑप्शन शो करता है, बट हम लोग यूज नहीं करते ना, तो हमारा में शो नहीं करेगा गाइज। तो चलो ये आप लोगों को ना बाइटी स्टूडियो में जाके दिखाते हैं गाइज, सॉरी बाइटी स्टूडियो नहीं, कुछ भी यार एडसेंस अपना जाके दिखाते गाइज, देख लो यार। और मेरे में भी देखना है गाइज वो शो नहीं कर रहा, ब्लॉकिंग कंट्रोलिंग कुछ ऐसा ही सिस्टम आता है ब्लॉकिंग कंट्रोलिंग, क्योंकि मैं सिर्फ यूट्यूबर हूँ तो मेरे में ये सब शो नहीं करेगा। तो जो भी यूट्यूबर देख रहे हो यार प्लीज यार आप लोग इग्नोर कर देना इसको यार, ये सब सोचना मत कि कुछ भी ये वो होने वाला, कुछ नहीं होने वाला, जो भी डोमेन साइट यूज कर रहे हैं ना उनके लिए प्रॉब्लम है, वो अपना सॉल्व कर लेंगे तो सही है, वरना नहीं भी करेंगे तो वो ऑटोमेटिक सा सॉल्व हो जाएगा। तो बस इतना ही था गाइज, बस यूट्यूबर लोग यार डरने का नहीं भाई, बस मेहनत करो, बाकी सारा कुछ सही है यार। सो फाइनली गाइज आप लोगों ने देख लिया यार, तो आप लोग की कोई डरने की इसमें जरूरत नहीं है गाइज, बस आप लोग के लिए नहीं है, जो भी यूट्यूबर्स है ना सिर्फ यूट्यूब चला रहे हैं ना उनके लिए ये बिल्कुल भी डरने की बात नहीं है, बस जो सब डोमेन्स यूज कर रहे थे ना पहले से उनके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम है, बट प्रॉब्लम नहीं, आप लोग यार कोई भी डोमेन्स खरीद लो और उसके बाद यूज करो तो कोई दिक्कत ही नहीं होगा। तो आज अपन लोग करते हैं वीडियो को यहीं पे एंड, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, गुड बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखना और ऐसे ही हमारे वीडियो देखते रहना और जितना हो सकेगा उतना वीडियो को शेयर करना। सो बाय बाय, गुड बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे, और जितना हो सकेगा उतना अपने मम्मी पापा का ख्याल रखना, अपना भी ख्याल रखना। सो बाय बाय गाइज।